हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के बाद ही बीजेपी को यह भरोसा हो गया कि तेलंगाना में भाग्य बदल सकता है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा हवा इसी मुद्दे को दी कि वो सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई तो वहां भी चर्चा भाग्यनगर और भाग्यलक्ष्मी मंदिर की ही होती रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में जिस देवी की आरती कर रहे हैं वही भाग्यलक्ष्मी हैं। हैदराबाद में चार मीनार के ठीक बगल में भाग्यलक्ष्मी का ये मंदिर है जिसके बारे में तेलंगाना के बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं मालूम था, लेकिन अब बीजेपी महालक्ष्मी मंदिर को ही हैदराबाद की पहचान बनाने में जुटी है। यूपी के सीएम हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान ही इस बात का ऐलान कर चुके थे कि बीजेपी सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर ही होगा। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई चौड़ाई पर काम करना है। इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्यनगर का मतलब संप्रीति का प्रतीक। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाकर दर्शन किए। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से ही संबोधित किया। मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूँ। भाग्यलक्ष्मी माता के नाम से ही इस शहर का नाम भाग्यनगर पड़ा है। भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ देवी की मूर्ति लगभग 500 साल पहले स्वयं प्रकट हुई थी। पिछले चार दशक से इस मंदिर को लेकर विवाद भी हुए और कई बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है, लेकिन अब ये मंदिर तेलंगाना की राजनीति का नया केंद्र बन चुका है। मंदिर की ओर से सभी राजनीति वर्ग के जो भी लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के होने दीजिए, सभी को एक ही तरह से सम्मान और स्वागत किया जाता है। अभी जो 2-3 साल से जो चल रहा है, तो ये जिस तरह से वो लोग आकर माता जी के यहाँ पर जो कामना की है और उनकी मनोकामना पूरी हुई है, शायद उसी वजह से फिर से आना, यहाँ पे आकर माता जी के दर्शन करना, शायद ये हो रहा हो। मान्यता है कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर सबकी मनोकामना पूरी करता है, ये विश्वास बीजेपी को भी है। वो हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाग्यलक्ष्मी और भाग्यनगर से जुड़ी लोगों की आस्था की ताकत देख चुकी है और अब उसी प्रयोग का विस्तार तेलंगाना में करने के लिए तैयार है। स्वागतम, स्वागतम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी। राहुल नार्वेकर ने आसानी से यह चुनाव जीत लिया, लेकिन इस रस्सा कशी में शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। शिवसेना के दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ व्हिप जारी किया। प्रस्ताव संमत झाला आहे। श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांची महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे। इस तरह जबरदस्त राजनीतिक नाटक के बाद राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद पहला इम्तिहान पास कर लिया। कहने के लिए ये स्पीकर का चुनाव था, लेकिन दरअसल ये महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच शक्ति परीक्षण था, जिसमें बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को मात दे दी। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला शिंदे गुट और बीजेपी के राहुल नार्वेकर और महाविकास अघाड़ी के राजन सालवी के बीच था।
सदन में हेड काउंटिंग के जरिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल 287 विधायक हैं। जीत के लिए 144 का मैजिक नंबर था। शिंदे गुट और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, यानी बहुमत से 20 अधिक। उन्होंने आसानी से विजय हासिल कर ली। राजन सालवी को 107 वोट मिले, चार विधायक तटस्थ रहे। राज ठाकरे की पार्टी ने राहुल नार्वेकर के पक्ष में वोट डाला। समाजवादी पार्टी और AIMIM ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नवाब मलिक और अनिल देशमुख समेत NCP के कई विधायक भी वोटिंग में शामिल नहीं हुए। नार्वेकर के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस उन्हें आसन तक ले गए। विपक्षी नेताओं ने भी राहुल नार्वेकर को बधाई दी। वोटिंग के दौरान शिवसेना के विधायकों ने ED के नारे लगाए। सौलता चंद्रकांत सोनू ने 131 लता चंद्रकांत सोनू। शिवसेना लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र की NDA सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ED समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। अध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना के दोनों गुटों ने व्हिप जारी किया। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने पार्टी के 55 विधायकों को व्हिप जारी कर राजन सालवी के पक्ष में वोट करने का निर्देश दिया था, लेकिन 39 विधायकों ने इसका उल्लंघन किया। व्हिप जो है वो शिवसेना ने दिया हुआ था और 39 लोगों ने उसके विरोध में मतदान किया है। और इस मतदान के बारे में अजय चौधरी हमारे गठन नेता है, उन्होंने जो पीठासीन अधिकारी चुनाव के समर बैठे थे उनके पास हमने हमारी खत देकर बताया कि 39 लोगों ने विरोध में मतदान किया। उधर शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि शिवसेना में उधर समर्थक 16 विधायकों ने उनके व्हिप को नहीं माना, यानी शिवसेना के दोनों गुट स्पीकर के चुनाव को लेकर एक बार फिर आमने सामने हैं। बिल्कुल हमारे व्हिप का उल्लंघन हुआ है और इस पे कार्रवाई की जाएगी। आगे महाराष्ट्र झुकेगा नहीं और यही हम कहना चाहते हैं। आज तो हम ऑपोजिशन में बैठे थे लेकिन हमारे चेहरे पे स्वाभिमान था। अगर आप सत्ताधारी में जो बगावत करके बैठे, बगावत भी नहीं धोखा देके बैठे हैं, उनके चेहरे देखते तो काफी डरे हुए, सहमे हुए ऐसे थे। शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुटों के बीच जारी सियासी खींचतान की झलक विधानसभा में देखने को मिली। शिंदे गुट के दो विधायक नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल वापस उद्धव कैंप में लौट आए। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने उनका स्वागत किया। शिवसेना के दोनों गुट पार्टी पर दावा पेश कर रहे हैं। अंदरूनी घमासान यहां तक बढ़ गया कि विधानसभा भवन में पार्टी ऑफिस को बंद करना पड़ा। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री शिंदे की बड़ी परीक्षा है, उन्हें विश्वास मत हासिल करना है। लेकिन स्पीकर के चुनाव के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि फ्लोर टेस्ट अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।